بسم الله الرحمن الرحيم. वालेकुम अस्सलाम। इनका सवाल है, जब किसी मरहूम को मिट्टी देते वक्त जो कुरान की आयत पढ़ते हैं बुलंद आवाज़ से, दो तीन लोगों का पढ़ना कैसा, और हम खामोशी से मिट्टी दें या हम भी पढ़ें? सब पढ़ सकते हैं, इसलिए कि वो कुरान की अगरचे आयत करीमा है लेकिन वहाँ दुआ की नीयत से पढ़ी जाती है। मिन्हा खलकनाकुम जो पढ़ी जाती है मिट्टी देते वक्त, तो सब लोग पढ़ सकते हैं और सब ज़ोर से पढ़ें, सुनने वाला कोई ना हो तब भी कोई हर्ज नहीं है।